ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह दे दूंगा। तो आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो का बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को उस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, मॉडल का बैकग्राउंड जो है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिसको इरेज करना नहीं आता, मैंने उसके ऊपर अभी रिसेंटली एक नई वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप जाकर देख लेना। बाकी गाइस, जब आप सभी को करना है कि मॉडल को कुछ स्टेप से आप सभी को लगाने के बाद आप सभी को डन कर देना है। एंड उसके बाद दोबारा जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को कोई दूसरा मॉडल है आपका, जो कुछ स्टेप से आपको शूट कर लेना है, मतलब कि हवा में उड़ रहा हो, ठीक है, इस टाइप से कर लेना है। एंड उसके बाद आपसे कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ अपने मॉडल को दूसरा लोग लगा देना है, एंड इसकी ओपेसिटी को जो है कम कर देना है, ठीक है। इसको इस टाइप से कम कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप कर देना फोटो डन। उसके बाद गाइस, आप सभी को इसमें करनी है शेडो क्रिएट। तो क्या करना है, आप सभी को जाना है ड्रॉ टूल में। उसके बाद गाइस, आप सभी को करना है कि आप सभी को यहाँ पे ब्रश पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे इरेजर पे क्लिक हो गया। तो हम ब्रश पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हमको हार्ड ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसका जो साइज है कुछ अराउंड 24 तक रख लेना है। एंड आपको अपनी फोटो को जूम करना है कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे आप सभी को एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं एक बार थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ आप कुछ इस टाइप से, एंड एक हम यहाँ पे कर लेंगे। एंड इसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे जाना है लेयर में, ठीक है। तो लेयर में जाएंगे हम, एंड जिसकी ओपेसिटी हमें वहाँ पे इसकी कम कर लेनी है, क्योंकि जो शेडो होता है हमारा उसकी ओपेसिटी कम होती है। तो हम लेयर में जाकर इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड जो बाकी का जो एरिया है ऊपर, जो हमारे शूज़ के ऊपर आ गया है, उसको हम यहाँ पे इरेजर टूल से हम इसको कुछ इस टाइप से इरेज कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, एंड इस वाले को भी हम यहाँ पे इरेज कर लेंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल, ठीक है। तो इसको इतना करने के बाद आपसे फिर आगे क्या करना है मैं आपसे बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से इरेज कर लूँगा। एंड इसके बाद गाइस, देखिए हमारी शेडो जो एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुकी है ना, रियलिस्टिक सी। तो अब क्या करना है हमें, थोड़ा सा इसके ओपेसिटी और कम कर लेना है यहाँ पे। एंड इसके बाद गाइस, आपसे अब क्या करना है, आपसे अब यहाँ पे फोटो कर देना डन। एंड फोटो को डन करने के बाद आपसे अब एक PNG और लेना है, ठीक है। तो हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, हमें ये लाइट का PNG लेना है, एंड यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको हम। एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है स्क्रीन कर देंगे। एंड स्क्रीन करने के बाद आप कुछ नीचे की साइड में इस वाले हैंड के पास, एंड इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ पे हम, एंड उस वाले साइड में भी लगा देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप सभी को अपनी फोटो को डन कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप इस फोटो को आपको सेव कर लेना है, इसमें करनी कलर करेक्शन जो गेम करते हैं लाइट्रो मैप के अंदर। तो अगर यहाँ से सिंपली हम चलेंगे बैक, एंड आप अपने लाइट्रो मैप को ओपन कर लेंगे। एंड अगर जब तक हमारा लाइट्रो मैप ओपन हो रहा है, और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चले गए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, हमारी जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, तो अब आप सभी को करना क्या है, तो गाइस अब आप सभी को यहाँ पे स्लाइड वाला ऑप्शन में जाना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, ठीक है। हाईलाइट्स को जो है कम कर देना है, शेडो को बढ़ा देना है, वाइट को कम कर देना है, ब्लैक को बढ़ा देना है, कलर्स वाला ऑप्शन में जाना है, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है, फिर जाना मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस करना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। एंड इसके बाद गाइस, आपको येलो कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन को प्लस कर देना है, एंड डार्क ब्लू में जाना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड इसको डन कर देना है। एंड इसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी इसको बढ़ा देना है, एंड फोटो में विग्नेट डाल देना है। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, ग्रेन अमाउंट मिलेगा, इसको बढ़ा देना है। एंड नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की शार्पनेस को इंक्रीज कर देना है, नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देना है, एंड जो कलर नॉइज़ रिडक्शन है उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस, फाइनल रिजल्ट जो हमारी फोटो का है, वो आप सभी के सामने है। तो गाइस देखिए, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।